पंजाब पुलिसाबाद रुझान के कच्चे में पैंतीस साल ऐसी कैम डाकुराज खत्म करने के लिए एक बार फिर पुलिस ने कमर कस ली ऑपरेशन में इस बार पाक फौज की मदद भी उन्हें हासिल है ऑपरेशन में रुझान के कच्चे में पनहा गजीन इश्हारी लुंड गैंग दुलानी गैंग उमरानी गैंग समेत तमाम इश्तियारों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है रुझान के कच्चे में पनह गजीन पैंतीस साल से इश्तियारों ने तीन अजला का अमन व अमान खराब किया हुआ है चंदमु पर डकेत रुझान रहीम यार खान सात का बाद राजनपुर सिंध के इलाके समेत दीगर इलाकों में अगवाब रहे तावान कत्तल डकेती की वारदात करते हैं और रुझान के कच्चे में आकर पनहा गजीन होते हैं अखबाबर तवान कत्तल और डकेती में मुलविस इश्ते सिंध बलूचिस्तान और पंजाब के इश्तिहारियों ने आपस में गठजोड़ किया हुआ है अगर कानून नाफिज करने वाले इदारों का सिंध और बलूचिस्तान में ऑपरेशन हो तो ये डकेत पंजाब के इलाके रुझान जबकि रुझान में ऑपरेशन हो तो ये डकेत सिंध और बलूचिस्तान में एक दूसरे की पना गहें और सहूलत का इस्तेमाल करते हैं रुझान कच्चे में पना गजी इश्तिहारी डाकों के खिलाफ पुलिस की एक बार फिर ऑपरेशन जारी है जिसका आज अठारवा दिन है जिसमें पुलिस को अदम सहूलियात के बायस हर बार जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा और इश्तहारी डाकू सहूलतकारों के जरिए फरार होने में कामयाब हो जाते हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों की इश्तहारियों तक पहुंचाने में सबसे बड़ी रुकावट दरिया सिंध कच्चे का वसी जजीरा नुमा रकबा और जराइम पेशा इश्तिहारों का इलाके भर में फैला सहूलतकारों का नेटवर्क और मकामी अफराद का अदम है जिसके बायस कानून नाफिज करने वाले इदारे मुठ्ठी भर जरायम पेशा आगे बेबास हैं इसी रुझान के कच्चे में बदनामे जमाना डाकू गुलाम रसूल और छोटू गैंग पाक फौज के ऑपरेशन के दौरान अपने साथियों समेत सरेंडर हुआ मगर उसकी बाकियात इश्तियारी डाकू ने आज भी तीन अजला में कत्ल, डकेती और अगवा की वारदातों से इलाके का अमन अमान खराब किया हुआ है ताहम एक बार फिर कच्चे का इलाका जराम पेशा अफरा ऐसी क्लियर करने के लिए पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है इस ऑपरेशन की कामयाबी के बाद दरिया सिंह ऐसी जरायम पेशा अफराद की नकलोहरकत रोकने के लिए जदीद बोर्ड्स का गश्त कायम किया जाएगा जरा के मुताबिक रुझान के कच्चे में पुलिस ऑपरेशन का सुनकर जराम पेशा ग्रुप अताउ पट और दीगर जराय पेशा अफरा खुफिया तौर पर इलाका छोड़कर नामूम जगहों पर फरार हो गए जबकि लोंड गैंग दुलानी गैंग उमरानी गैंग समेत कई गैंग ने कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुकाबला करने के लिए जमीन दोस्त मोर्चे जान हो चुके हैं और रॉकेट लॉन्चर एल एम जी समेत तमाम जदीद असलाह निकाल लिया है और हालात संगीन होने पर सहलत कारों के जरिए फरार होने के लिए प्लान भी तैयार किया हुआ है जरा के मुताबिक सहलत कारों को पढ़ा गहे और वसायल चौबीस घंटे तैयार रखने की डेतो ने हिदायत की है ये पैंतीस साल डाकुराज खत्म करने के लिए इश्हारियों के खिलाफ पुलिस ने इस बार जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन शुरू कर रखा है ऑपरेशन का आज अठारवा रोज है कच्चा ऑपरेशन के अठारवे दिन पुलिस के जराय पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई बिला ताल तो जारी है राजनपुर में कच्चा ऑपरेशन के अठारवे रोज पुलिस के मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ ऑपरेशन कार्रवाई का सिलसिला जारी है चकुमरानी चक बेले शाह चक कपड़ा में पुलिस दस्तों की मजीद पेश मोर्चा बंद डाकों और दहशत गर्दो की जानब ऐसी शदीद मजात फायरिंग का तबादला भी जारी पुलिस दस्तों ने चक उमरानी और चक बेह के अहम हिस्सों का कंट्रोल संभाल लिया एरिया को क्लियर क्लियर पुलिस कायम कर दी गई। कराए गए इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है दहशत गर्दों की मुताद कमीन गहे तबाह कर दी गई हैं। अब तक ऑपरेशन में चार दहशत गर्द हलाक और सोलह सहूलत कार भी गिरफ्तार हो चुके हैं दहशत गर्द और अस्क्रियत पसंद पसपा होकर सिंध फरार होने में कोशा तमाम रास्तों और गुजरगाहों को सील करके सख्त निगरानी और दरिया के अंदर कश्तियों पर मुसलसल जारी रखकर फरार के तमाम रास्ते मसदूत कर दिए गए हैं। डी पी ओ मोहम्मद नासिर सियाल मुसलसल कच्चा के ऑपरेशनल एरिया में फ्रंट लाइन मौजूद है तमाम तर ऑपरेशन की मुकम्मल कमांड कर रहे हैं आर पी ओ डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान का कच्चा में ऑपरेशनल एरिया के मुसलसल दौरे करके ऑपरेशन की निगरानी का सिलसिला भी जारी है